हमेशा सही चर्चा पर रही है राजश्री, और जिस तरीके से ब्रजेश पाठक का टिकट काटा गया, ब्रजेश पाठक का टिकट काटते हुए उनको लखनऊ कैंट फेंक दिया जाता है, और उसके बाद कैंट में जिस तरीके की आंधी उड़ती है वो तूफान बनके आजमगढ़ में सपा के पाले में जा पड़ती है, और ये सपा के पाले में मयंक जोशी का जाना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई आप भी तो समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव को काट कर लेकर के आए हैं, तब तो उनसे किसी ने नहीं सवाल पूछा, और मैं एक ही परिवार का होकर के अगर पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं तो आपको ऐतराज क्यों है। शशि रंजन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सलाहकार संपादक हैं आप। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, लगातार हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, गोवा की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हर जगह बदलाव की बयार बहती हुई नजर आ रही है, विशेष फोकस उत्तर प्रदेश पर सभी का, इसलिए क्योंकि 80 सीटें, वो 80 सीटें जो केंद्र में प्रबल कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में सरकार को स्थायित्व प्रदान करती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समीकरण क्या कहते नजर आ रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश में पूजा आज हमें दो तीन चीजों पे बहुत खास नजर रखनी होगी। एक तो ये है कि मायावती का वोट बैंक क्या रहता है, जो गणित आएंगे वो उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर मायावती का जो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ इंटैक्ट रहा तब तो अखिलेश को थोड़ा फायदा होगा, लेकिन अगर जाटव को छोड़कर की जो दूसरे दलित वर्ग है अगर उनके वोट बैंक में शिफ्ट देखने को मिलता है तो ये सीधा सीधा फायदा होगा बीजेपी को। और जो ग्राउंड पे रिपोर्ट है वो ये कह रहे, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, पहले वहां से शुरू कर ले, 113 सीटें हैं वहां पर। जो समीकरण है, जो जब मैं पब्लिक थर्मामीटर करने गया था तब भी ये समझना चाहता था और सभी पोलस्टर और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये समझना चाह रहे थे कि क्या मुस्लिमों के वोट में डिवीजन है, क्योंकि मायावती बीएसपी की तरफ से भी कई मुस्लिम कैंडिडेट थे, कांग्रेस की तरफ से भी, तो क्या जो मुस्लिम वोटर हैं उनके वोट में डिवीजन हो रहा है, पॉइंट नंबर वन। वो मुझे लगा नहीं कि ग्राउंड पे उसमें कोई डिवीजन है। लेकिन, और... लेकिन सर इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई हैं कि ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी ने पश्चिम क्षेत्र में जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स उतारे हैं, देखिए हम मुस्लिम वोटर्स की डाइवर्जन की बात कर रहे हैं लेकिन जाट को भी हम नहीं भूल सकते, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यही वजह है कि बीजेपी को नुकसान वहां पर हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जहां पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है, लॉन्च किया है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो गया, क्योंकि जो जाट है वो मुस्लिम नुमाइंदों को वोट देना पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसा तो मुझे लगा नहीं जब मैं घूम रहा था, 113 सीटों पे मैं घूम करके आया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो मुझे लगा कि जाट और मुस्लिम इस बार इंटैक्ट है। और जाटों का जहां तक मसला है, पूजा आप याद कीजिए 2013 और 14 जो मुजफ्फरपुर दंगा हुआ था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको 2016 में देखने को मिला था। जो पहला फेज था 58 सीटें उसमें क्लीन स्वीप 51 out of 58 वो बीजेपी लेके गई थी, और वहां पे सीधा सीधा पोलराइजेशन था हिंदू और मुस्लिम वोटों का। लेकिन इस और जो बड़ी आबादी है वो मुस्लिमों की है और उसके बाद जाटों की है, लेकिन मुझे लगा नहीं ऐसा कि इस बार कोई उस तरह की बात है। और किसानों का जो मसला था और खास करके जाट जो किसान आंदोलन चला पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वो जाटों का एक मैंने देखा झुकाव जो है वो आरएलडी की भी वजह से, जयंत चौधरी की वजह से, वो साइकिल यानी कि आरएलडी जो नल उनका है उसकी तरफ लगा, मुस्लिमों में वोट ऑफ डिवीजन नहीं था और जाटव वोट इंटैक्ट थे बीएसपी के साथ। कांग्रेस को कोई बहुत तवज्जो देते हुए लोग मुझे वहां पे मिले नहीं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो दलित वोट है उसमें जाटव को छोड़ दीजिए वो बीएसपी के साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप कुछ देर के बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगी बात, लेकिन माइनस जाटव जो दूसरी जातियां हैं दलित में क्या उनमें शिफ्ट हो रहा है? जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि उनमें एक शिफ्ट देखने को मिला है। अगर मायावती 15-16-18-12-20% के नीचे घसकती हैं और अगर बीजेपी बढ़ती है ऊपर, तो ये सीधा सीधा समझ जाइए कि माइनस जाटव जो दूसरे दलित जातियां हैं उनका वोट शिफ्ट हुआ है और वो स्विंग होकर के बीजेपी की तरफ गया है। दलितों का जो वोट है माइनस जाटव जो मैं कह रहा हूं
उसकी संभावना बीजेपी की तरफ जाने की ज्यादा है। तमाम आंकड़े आप साझा कर रहे हैं, इस बीच पहले रुझान भी सामने आने लगे हैं, बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी बढ़त बना रखी है, तो बेहद खास ये आंकड़े हैं और पल पल में चेंज हो रहे हैं। देखिये बीजेपी 10 आंकड़ों के साथ में आगे चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो बात करते करते ये आंकड़ा 5 से 6 का नेट टू नेट फाइट है। सर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और देखिए रुझान आना भी शुरू हो चुके हैं, 10 सीटें 11 सीटें जिस दौरान मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, 8 10 11 फ्लिप हो रहे हैं, आंकड़े लगातार फ्लिप हो रहे हैं। और इस बीच समाजवादी पार्टी की अगर बात करो, समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई अभी अभी नजर आ रही है, 5 सीटों पर वो आगे है। और अभी तो जो है ईवीएम खुलनी शुरू हुई है, इसी तरीके से राउंड दर राउंड जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लगता है कि ये फाइट नेक टू नेक की होगी? रहा हूं, अभी ईवीएम नहीं खुले हैं, जो पहला राउंड होता है वो पोस्टल बैलेट होते हैं, डाक मतपत्र जिसे आप कहते हैं, ये उसकी काउंटिंग है। तो जो पहली काउंटिंग है वो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग है। ईवीएम अभी लगेंगे 15-20 मिनट शायद खुलने में। जो पहले राउंड का जो भी रुझान आता है वो पोस्टल बैलेट्स के होते हैं, और पोस्टल बैलेट्स के रुझान बीजेपी की तरफ जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, ये 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 एक एक समझी हुई बात है।